इंदौर क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अवैध शराब से भरा ट्रक पकड़ा है, जिसमें 1000 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपी मछलीदाना की आड़ में शराब की तस्करी कर रहे थे। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। क्राइम ब्रांच डीसीपी निमेश अग्रवाल ने बताया कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि ट्रक से बड़े पैमाने पर शराब की तस्करी की जा रही है। मुखबिर द्वारा बताए गए ट्रक नंबर के आधार पर क्राइम ब्रांच की टीम ने घेराबंदी कर ट्रक को पकड़ लिया और ट्रक पंजाब से अवैध तरीके से शराब लेकर इंदौर पहुंचा था, जहां क्राइम ब्रांच की टीम ने किशनगंज बाईपास से इस ट्रक को पकड़ा और जब इसकी तलाशी ली गई तो इसमें 1000 पेटी अवैध शराब भरी पाई गई, जिसकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। जब शराब संबंधी कागजात मांगे गए तो कागजात भी मछली दाना संबंधित होना पाए गए। आरोपी ई मछली के दाने की आड़ में शराब तस्करी कर रहे थे। मौके से पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। मुखबिर से सूचना मिली थी कि जो है एक ट्रक यहाँ मौजूद है जो कि अवैध शराब का परिवहन कर रहा है। हाल ही में इलेक्शन कमीशन के भी इसमें निर्देश भी प्राप्त हुए हैं कि अवैध शराब पे जो है इसमें कार्रवाई भी अच्छी से अच्छी की जाए। तो इसे मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए जो है इस ट्रक को इसको खोला गया है। तो इसमें लगभग 1000 पेटी के आसपास जो है इसमें अवैध शराब पाई गई है और प्रथम दृष्टया जो इसमें कागज़ मिले हैं वो उसमें वो बता रहे हैं कि वो ट्रक जो है फिश फीड जो होता है वो लेके जा रहा था मछली दाना, और जबकि मौके पर जब उसे खोला गया है तो उसमें लगभग 1000 पेटी की अवैध शराब पाई गई है। इसमें जो है और विवेचना की जा रही है, अपराध पंजीकृत किया जाएगा और जो है विवेचना करके जो भी इसमें दोषी हैं, जो भी इस तरह के अवैध परिवहन में संलिप्त हैं, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, पहले की जो ब्रांड पकड़ा है उसकी नकली शराब भी पकड़ी थी और उसमें रो मरे थे। नकली शराब के संबंध में भी लगातार सूचना संकलन किया जाता है और जिससे कि कोई भी नकली शराब से के सेवन से मृत्यु ना हो तो उसके संबंध में कार्रवाई लगातार चलती रहती है। इसमें विदेशी शराब भी? हाँ, इसमें जो है फॉरन निकर IMFL है इसमें, जो अभी मौके पे पाया गया अभी, और इसमें जो है पंचनामा कार्रवाई और तस्दीक कार्रवाई की जाए। इसकी कीमत होगी, इसके लगभग मैं समझता हूँ 50-60 लाख रुपये की तो ये शराब हो सकती है आराम से।